मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू बीबीएन ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 8 में चैप्टर 16 लाइट, जिसके अंदर आज अपन पढ़ेंगे जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है उसके ऊपर क्वेश्चंस। तो बेटा, ए पर्सन 1 मीटर इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर सीम्स टू बी डैश मीटर अवे फ्रॉम हिज इमेज। तो मैंने प्रीवियस क्लास में इमेज फॉर्मेशन बाई ए प्लेन मिरर ये टॉपिक आपको कराया था। इसके अंदर अपन ने देखा था ऑब्जर्वेशन कि प्लेन मिरर के सामने जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ऑब्जेक्ट की इमेज मिरर के पीछे बनती है, सेम साइज की बनती है, और जितने डिस्टेंस पे मिरर से ऑब्जेक्ट रखा है उतने ही डिस्टेंस पे इमेज मिरर के पीछे बनती है, ठीक है। और इमेज का नेचर कैसा होता है? वर्चुअल। तो देखिए, ये प्लेन मिरर, इसके सामने मैं ऑब्जेक्ट रख रहा हूं ए बी, ये ऑब्जेक्ट ए बी। तो बेटा, प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है? कितने डिस्टेंस पे है? 1 मीटर डिस्टेंस पर। तो याद कीजिए वो ऑब्जर्वेशन जो अपन ने कल पढ़े थे कि ऑब्जेक्ट की इमेज मिरर के पीछे बनेगी, इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल बनेगी, और सेम डिस्टेंस पे बनेगी मिरर से, सेम डिस्टेंस पर। तो ये 1 मीटर है, तो मिरर से 1 मीटर पीछे इसकी इमेज बनेगी, ये इमेज। तो आपको बताना है कि इमेज से जो पर्सन है, ऑब्जेक्ट है, वो कितने डिस्टेंस पर है। ये इमेज और ये, इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया बेटा? 1+1 कितना हो गया? 2 मीटर। कितना हो गया? 2 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा 2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज। तो इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज वर्चुअल इमेज बनाता है, वर्चुअल, इरेक्ट और सेम साइज। कैसी? सेम साइज की इमेज। दिख रहा है ऑब्जर्वेशन? और कल अपन ने टॉपिक पढ़ा भी था कि वर्चुअल इमेज बनती है, सेम साइज की बनती है, और इरेक्ट सीधी इमेज बनती है, और मिरर से सेम डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म होती है। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन आपको सेकंड क्वेश्चन में लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ रे इफ द रिफ्लेक्टेड रे इज एट एंगल 90 डिग्री टू द इंसिडेंट रे। तो आपको मैंने रिफ्लेक्शन पढ़ाया था, इसमें यह दे रखा है इस क्वेश्चन में कि जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये हो गया बेटा नॉर्मल, ये होगी इंसिडेंट रे, ये होगी रिफ्लेक्टेड रे। तो बेटा, जो रिफ्लेक्टेड रे है, इंसिडेंट रे से कितना एंगल बना रही है? 90। कितना एंगल बना रही है? 90 डिग्री, ठीक है। तो आपको बताना है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपको क्या बताना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां बनता है बेटा? ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आर। तो आपको बताए आई प्लस आर कितना दे रखा है बेटा? 90 डिग्री। मतलब रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल 90 है, तो ये हो गया आई और ये हो गया आर। तो आई प्लस आर कितना दे रखा है? 90 डिग्री। और आपको बताया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, अपन जानते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल आई इक्वल टू किसके होता है? एंगल आर के। एंगल आई किसके इक्वल होता है? एंगल आर के। हमेशा जहां पे रिफ्लेक्शन होगा वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा? तो इस इक्वेशन में आर की जगह अपन आई रख सकते हैं, आर की जगह अपन क्या रख सकते हैं? आई। तो एंगल आई और आर की जगह क्या रख दिया मैंने? आई इक्वल टू 90 डिग्री। आई प्लस आई कितना हो गया बेटा? 2i इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां से i की वैल्यू कितनी आ जाएगी? i और ये 2 डिवाइड में जाएगा 90 के, तो i की वैल्यू अपने को कितनी मिलेगी बेटा? 90 में 2 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 45 डिग्री।
तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू कितनी आएगी 45 डिग्री, ऐसी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू भी कितनी आएगी 45, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल रहते हैं। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ये बेटा दो प्लेन मिरर दिखा रखे हैं, ये दो प्लेन मिरर, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। इसमें से एक मिरर पे लाइट इंसिडेंट हो रही है बेटा कितने एंगल पे, 30 डिग्री पे, नॉर्मल से कितने एंगल पे हो रही है 30 डिग्री पे, मतलब ये 30 डिग्री क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आपको सेकेंड मिरर के लिए रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करनी है। तो आपको पता है ये हो गई इंसिडेंट रे, तो इतने ही एंगल पे क्या मिलेगी अपने को रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गई बेटा रिफ्लेक्टेड रे 30 डिग्री, ठीक है। तो बेटा ये 30 है, तो ये एंगल अपने को कितना मिलेगा, देखो नॉर्मल मिरर के साथ कितना एंगल बनाता है 90 डिग्री, कितना बनाता है 90, ये नॉर्मल मिरर के साथ कितना एंगल बनेगा 90 में से 30 इधर आ गया, तो ये कितना बचेगा बेटा 60 डिग्री, कितना बचेगा 60 डिग्री। और ये यहां पे एंगल कितने हैं क्वेश्चन में दे रखा है, ये दोनों मिरर परपेंडिकुलर है, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो ये एंगल कितना हो गया 90। तो बेटा ये 60 ये 90, तो एक ट्रायंगल बन गया यहां पे। और आपको पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो ये 60 90 कितने हो गए 150, तो ये एंगल कितना बचेगा बेटा 30 डिग्री, ये एंगल कितना बचेगा 30 डिग्री। तो यहां पर अब नॉर्मल अपन बनाए, ये नॉर्मल बन गया, तो ये जो इस मिरर के लिए ये क्या हो गया बेटा इंसिडेंट रे, तो ये 30 है, तो इंसिडेंट रे कितने एंगल पे गिर रही है बेटा 60 डिग्री पे गिर रही है ना, 60 डिग्री पे गिर रही है, कैसे, क्योंकि नॉर्मल मिरर के साथ कितना एंगल बनाते हैं 90 डिग्री, उसमें से 30 इधर आ गया, तो इधर कितना आएगा बेटा 60 डिग्री, तो ये इंसिडेंट रे इस मिरर के लिए कितना एंगल बना रही है बेटा 60 डिग्री, तो इतने एंगल पे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी बेटा, इतने एंगल पे ये क्या हो जाएगी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये एंगल कितना हो गया 60। तो सेकेंड मिरर के लिए ये क्या हो गया बेटा रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, जो कितने एंगल पे रिफ्लेक्ट हो रही है 60 डिग्री पे। तो समझ में आ गया कि 30 डिग्री पे इंसिडेंट रे जो नॉर्मल से कितना एंगल बनाई 30 डिग्री, इतनी एंगल पे ये रिफ्लेक्ट हो गई, क्योंकि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है 30 डिग्री। अब ये नॉर्मल आपको पता है मिरर के साथ कितना एंगल बनाता है बेटा 90 डिग्री, तो इधर 30 डिग्री है, तो इधर कितना आ जाएगा बेटा 60 डिग्री, और दोनों मिरर एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो ये 90 हो गया और एक ट्राइंगल बन गया, तो ये 60 ये 90 150, तो ये एंगल कितना बचेगा बेटा 30 डिग्री, कितना बचेगा 30 डिग्री। अब इस मिरर पे नॉर्मल अपन ड्रॉप करें इसे, तो मिरर के साथ नॉर्मल कितना बनाता है 90 डिग्री, अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना आ जाएगा बेटा 60 डिग्री। तो ये जो रे है इस मिरर के लिए क्या है बेटा इंसिडेंट रे, जिसने नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया 60 डिग्री, तो रिफ्लेक्टेड रे भी इतनी ही एंगल पे क्या हो जाएगी बेटा रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये अपने को रिफ्लेक्टेड रे मिलेगी। तो ये अपने क्वेश्चन कंप्लीट हुए, नेक्स्ट क्लास में अपन इससे जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है इसके कुछ क्वेश्चन और करेंगे। थैंक यू।